बुद्ध के लाखों भिक्षु हुए, परंतु उसमें से बहुत कम लोग ही आत्मज्ञान को प्राप्त हुए। उन्हीं में से एक भिक्षु की छोटी सी घटना आज हम आपको बताते हैं। एक बार एक बौद्ध भिक्षु मुनिवर से पूछता है कि मेरे जीवन से क्रोध जाता क्यों नहीं है, मैं बुद्ध द्वारा बताए गए सभी उपदेशों का पालन करता हूँ, परंतु फिर भी मेरे जीवन में क्रोध है, क्यों है? बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से पूछते हैं कि तुम तथागत द्वारा बताए गए किन सूत्रों का पालन करते हो? व्यक्ति कहता है, काम वासना दोषपूर्ण है, हमें काम वासना में ही लिप्त नहीं रहना चाहिए। फिर बौद्ध भिक्षु व्यक्ति से पूछते हैं, और किन सूत्रों का अनुसरण करते हो? वह व्यक्ति बोला, मैं स्त्री की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखता, एकदम दूर रहता हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, और किस सूत्र का अनुसरण करते हो? व्यक्ति कहता है कि बौद्ध ने कहा है कि क्रोध अग्नि की तरह है, जो उसे ही जलाता है, जो उसे ही अपने भीतर रखता है। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि तुम इस सूत्र का क्या अर्थ समझते हो? इसे खुद के जीवन में कैसे लाते हो? व्यक्ति कहता है, मैं खुद को शांत रखने की कोशिश करता हूँ, जल्दी किसी बात पर क्रोध ना करूँ, इसका प्रयास करता हूँ, लेकिन कभी कभी मेरा क्रोध फूट जाता है और मैं आपा खो देता हूँ। इसी वजह से कई बार मैं वैश्यालय भी चला जाता हूँ और बाद में भी मुझे खुद से ही फिर घृणा होने लगती है। वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हारी उम्र क्या है? व्यक्ति बोलता है, मैं 25 वर्ष का हूँ। भिक्षु पूछते हैं, क्या तुम्हारा विवाह हो गया? व्यक्ति कहता है, नहीं, अभी मैं कुछ कमाता नहीं हूँ, इस वजह से मेरा विवाह नहीं हुआ है। भिक्षु कहते हैं कि समस्या ये नहीं है कि तुम काम वासना से ग्रस्त हो, पीड़ित हो, समस्या यह है कि तुमने बुद्ध द्वारा कही गई बातों का गलत मतलब निकाल लिया है, तुम उनके ज्ञान से वंचित रह गए हो। उन्होंने जो कहा उसे तुमने नहीं समझा, जो कि तुम्हारे जीवन में जहर का काम कर रहा है। इस उम्र में किसी स्त्री के प्रति तुम्हारा आकर्षण होना स्वाभाविक है, इसमें कुछ गलत नहीं है, ना ही कुछ सही है। काम वासना का उठना प्राकृतिक है, इसका उठना जीवन के लिए आवश्यक है। बुद्ध ने कभी भी काम वासना को ना बुरा कहा है और ना सही, ना उसे दबाने को जोर दिया है। वह तो लोग ही जो उनकी बातों को सुनकर गलत मतलब निकाल लेते हैं और काम वासना को दबाने की कोशिश करते हैं, उसके प्रति भ्रम फैला देते हैं। इन सब बातों के कारण ही ये ऊर्जा क्रोध बनकर हमारे सामने आती है। ये सब सुन व्यक्ति पूछता है कि यानी हमें काम वासना का आनंद लेना चाहिए? भिक्षु मुस्करा कर कहते हैं, इस दुनिया में हर व्यक्ति वह करने के लिए स्वतंत्र है, वह करना चाहता है जिसमें उसे खुशी मिलती है। काम वासना में लिप्त होना भी आनंद की अनुभूति कराता है, लेकिन वह आनंद कुछ समय के लिए ही होता है, वह हमेशा नहीं रहता। लेकिन मनुष्य की खोज ऐसे आनंद के बारे में है जो हमेशा खुश रहे, क्योंकि वह भीतर से अधूरा है, वह बार बार काम वासना में लिप्त होता है, यह सोचकर कि इस बार वह भर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अंत में वह खुद को खाली ही पाता है, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में दुख की अनुभूति होती है। काम वासना दोषपूर्ण है, व्यक्ति को केवल काम वासना में ही लिप्त नहीं रहना चाहिए। इस सूत्र के द्वारा बुद्ध हमें काम वासना की वास्तविकता दिखाना चाहते हैं। ज़्यादातर लोगों का सोचना है कि या तो कोई चीज़ अच्छी है या फिर बुरी, लेकिन बुद्ध
अच्छे बुरे से ऊपर उठकर वास्तविकता देखते हैं और उसी वास्तविकता को हमें भी दिखाना व समझाना चाहते हैं। व्यक्ति बहुत बिच्छू से पूछता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, कैसे अपना जीवन जीना चाहिए। बिच्छू ने कहा कि यदि सांसारिक जीवन जीना चाहते हो तो विवाह कर लो और पूरी तरीके से ईमानदारी से अपने परिवार के साथ रहो। बौद्ध ने बिच्छुओं को और संसारियों को अलग अलग सूत्र दिए हैं। यदि बिच्छू बनना चाहते हो तो ध्यान करो और बन जाओ, परंतु तुम ध्यान ऐसे भी कर सकते हो, परंतु जो भी मार्ग अपने लिए चुनो उस पर ईमानदारी से चलो, किसी के दूसरे के नहीं बल्कि अपने नज़रों में अच्छा बनो। वास्तविकता पर पर्दा मत डालो। यदि आप क्रोधी हैं तो शांत बनने का दिखावा मत करें बल्कि अपने क्रोध को स्वीकार करो। तुम्हारी स्वीकारता ही क्रोध विलीन होने लगेगा। स्वीकारना जागरूकता है और नकारना नींद। जागरूकता में ही तुम वास्तविकता को देख सकते हो और यदि एक बार तुमने वास्तविकता को देख लिया तो तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आग जलाती है। इस वास्तविकता को एक बार किसी ने देख लिया तो वह दोबारा हाथ नहीं डालेगा। तुम जिस भी चीज़ की वास्तविकता को देख समझ लेते हो तो फिर उससे ऊपर उठ जाते हो, उसमें विलीन नहीं होते। क्रोध जलाता है, ये सत्य है, ये उसका स्वभाव है, लेकिन इसे तुमने ही पाला है। अपने भीतर की भावनाओं को नकार कर उसे बुरा बताकर तुमने ही उसे पोषित किया है। तुम्हें वह बात बता सदैव याद रखना चाहिए कि यदि क्रोध बेवजह उठता है तो वह तुम्हारी दबी हुई भावना का दूसरा रूप है। बौद्ध बिच्छू ये बात सुनकर व्यक्ति कहता है, आपके शब्दों ने मेरे आने वाले जीवन को सरल बना दिया है, धन्यवाद। वह बौद्ध बिच्छू कहते हैं, मैं तो तुच्छ हूँ, प्रसाद तो बुद्ध का है। यदि धन्यवाद देना है तो महात्मा बुद्ध भगवान को दीजिए।